वेलकम बैक टू स्पीड गैराज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारी बारिश का मौसम आ गया, आजकल के मौसम में जो हमारी कार के मिरर्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अनटाइडी हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा अपनी कार की आप केयर कैसे कर सकते हैं, जो बेसिक केयर वगैरह होती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो आपको एक बार ही जरूर यूज करके देखना चाहिए। ये 3M का ग्लास क्लीनर है। अब आप इसका कहोगे क्या फायदा है, और भी बहुत सारे क्लीनर आते हैं, वो आपको मैं वीडियो में आगे इसका पूरा रिव्यू बताऊंगा। इसका प्राइस आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारा 250 ml हमें 250 rupees का मिलता है। MRP आप इसकी देख सकते हैं 261। ऑनलाइन वैसे थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है 230 का, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा बाकी सारे। अब इसको यूज करके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे हमारे बारिश में हम वाइपर चलाते हैं, और वाइपर चलाने के बाद हमारा जो मिरर है बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। ये प्रोडक्ट यूज करके हमारा जो मिरर रहता है वो बिल्कुल क्लीन रहता है और वाटर को रिजिस्ट करता है। वो कैसे करता है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। इसको यूज करने के लिए हमें सिंपली पहले तो थोड़ी सी हमारी कार वॉश करनी होती है। हमने वॉश कर ली थी सुबह, जो मोटे मोटे डर्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो हटाने होते हैं। उसके बाद ही वाला प्रोडक्ट हम जब अप्लाई करते हैं, हमें एक माइक्रोफाइबर या फिर टॉवल वाला क्लोथ भी चाहिए होता है। मेक श्योर कि इसमें आप सॉफ्ट क्लोथ यूज करें, कोई हार्ड क्लोथ यूज ना करें, जैसे रबिंग कंपाउंड यूज करते हुए करते हैं हम। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ बाहर जाके कैसे साफ करना है। और ये मिरर के अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड दोनों तरफ अप्लाई हो सकता। हम इसके बैक मिरर पे पहले ये वाला प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। ऐसे कि जब भी आप कार केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हमेशा इनको यूज करने से पहले अच्छे से शेक कर लीजिए। इसके पीछे भी इसके इंस्ट्रक्शंस में सारा लिखा होता है कैसे यूज करना है इसको। शेक वेल बिफोर यूज। उसके बाद सिंपली हमने अपना स्प्रे कर लेना है इसको, जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उतना स्प्रे करना। ओवर स्प्रे करने से हमारा कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा ये कोई 3M ग्लास क्लीनर। उसके बाद ये जो आपको मैंने टॉवल बताया था, इस टॉवल से लेके आपने एक सर्कुलर या एक प्रॉपर मोशन में इसको रब करना है, कोई गलत तरीके से यूज नहीं करना। आप वीडियो में जैसे देख सकते हैं हम कुछ इस वे में इसको अप्लाई कर रहे सारा। एक बार आप साइड चेंज करके दोबारा इसी जगह पे पूरा दबा के एक इसका बफ बना के मारिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। ये वाला जो प्रोडक्ट है आप अपनी लाइट पे भी मार सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे ग्लास की ही होती हैं। ये वाला प्रोडक्ट यूज करने का ये फायदा होता है, जैसे हमारी गाड़ी पेड़ वगैरह के नीचे खड़ी होती है, कहीं खड़ी होती है, उस पर बहुत ज्यादा कोई लीव्स के पार्टिकल्स या फिर कुछ गंदी चीजें लग जाती है, वो उसको प्रिवेंट करता है ये सब स्टिक होने के लिए। ये बिल्कुल नॉन स्टिक ही हमारा सरफेस बना देता। क्लीन आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर क्लीन हो चुका है। लाइट्स पे भी आप यूज कर सकते हैं इसको। यूज करना इसको बिल्कुल सिंपल है। अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको और ज्यादा अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स लेके आके दिखाऊंगा, उसके रिव्यूज दिखाऊंगा, बताऊंगा परचेज करना चाहिए कि नहीं। रिजल्ट देख ही सकते हैं आप ये वाले प्रोडक्ट का हमारे। लाइट पे हमने बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाई एंड रिजल्ट्स आपके सामने ही है। बाकी हमारे जितने भी मिरर्स हैं उस पर हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। पिछला मिरर आप देख ही सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बी श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसा कंटेंट जानने के लिए मुझे स्पीड गैराज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे लगी वीडियो।